नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको शिवपुराण का एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली एक उपाय बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में सदैव पैसों से संबंधित परेशानियाँ चल रही है या फिर आपको बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, आपके जो फैमिली मेम्बर है वह बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपका दवाखाने में पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, साथ ही दोस्तों आप जॉब के लिए भी परेशान हैं, तो दोस्तों किसी भी तरह की परेशानी हो तो इस छोटे से उपाय से वह ज़रूर पूरी हो जाएगी, सभी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और सभी इच्छाएं आपकी भगवान शिव जी की कृपा से पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में, वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों चले जानते हैं उपाय आपको किस तरह से करना है। दोस्तों ये उपाय आपको करना है 11 सोमवार तक। जी हाँ दोस्तों, सोमवार के दिन आप सुबह स्नान आदि से पवित्र होकर कुशा का आसन ले या फिर सफ़ेद रंग का शुद्ध आसन लेकर उस पर बैठे। पूजा की थाली में बिल्व पत्र, सुगंधी फूल, चूरमे का नैवेद्य और 11 आग के फूलों की माला इस तरह से दोस्तों आप बनाएं। आप पहले सफ़ेद आग के 11 फूल लाकर उसकी माला बनाकर रखें पूजा की थाली में। इसके बाद दोस्तों आप अपने सामने शिवलिंग रखें और वहाँ पर धूप लगाए, दीप लगाए। इसके बाद दोस्तों जब आप शिवलिंग की पूजा करेंगे तो सबसे पहले उनको तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल अर्पित करें। उसके बाद उनकी यथाशक्ति पूजा करें बिल्व पत्र से, फूलों से। और इसके बाद दोस्तों आपने जो आग के 11 फूलों की माला बनाई है वह शिव जी के गले में डाल दें और माला डालते समय आप 11 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों यह साधना लगातार आपको 11 सोमवार करनी है, केवल सोमवार को ही साधना करनी है आपको। तो दोस्तों 11 सोमवार तक इस साधना का पूरे नियम पूर्वक अगर आप ये साधना को करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव जी की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, पैसों से संबंधित कोई अड़चने नहीं आएगी, आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर लंबे समय से किसी बड़े बीमारी से पीड़ित है तो भी इस साधना से वह ठीक हो जाएगा। दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि आपके जितने भी दुख है वह शिव जी ज़रूर दूर करेंगे और आपको सुखी और आनंदित जीवन प्रदान करेंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर है, बहुत ही चमत्कारी है। तो दोस्तों इस उपाय को करके आप अपने जीवन को खुशहाल ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।